राजस्व विभाग की जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकारों पर लेखपाल ने लगाया आरोप। मामला ग्राम पंचायत नटकूर के मुल्लाही खेड़ा में हो रहे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर विगत 4 दिन से कई चैनलों के माध्यम से खबर प्रकाशित की जा रही थी। पत्रकारों के द्वारा निष्ठापूर्वक जांच पड़ताल करने के बाद संबंधित राजस्व विभाग सरोजनी नगर तहसील के लेखपाल आलोक वर्मा को राजस्व विभाग की ऊसर जमीन खसरा नंबर 852 में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर जानकारी दी, लेकिन लेखपाल आलोक वर्मा के द्वारा प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कानूनगो जितेंद्र सिंह को बताए हुए कि पत्रकारों से कहा कि खसरा संख्या 852 के संदर्भ में कानूनगो जितेंद्र सिंह से जानकारी प्राप्त करने को कहा, जिसके उपरांत पत्रकारों के द्वारा कानूनगो जितेंद्र सिंह से पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो जवाब देते हुए कानूनगो साहब अज्ञानता बताते हुए जानकारी देने से मना कर दिया, जिसके संदर्भ में पत्रकारों से लिखित सूचना मांगते हुए कानूनगो जितेंद्र सिंह के द्वारा पत्रकारों से कहा कि मैं जांच कराने का आश्वासन दिया, लेकिन दिनांक 6/8/2021 को सुबह करीब 9 बजे विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि भूमाफियाओं द्वारा घाटा संख्या 852 की भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण भूखंड से सिले पड़ने वाली है, जिसके कारण पत्रकारों द्वारा संबंधित तहसील सरोजनी नगर के तहसीलदार महोदय को फोन के माध्यम से सूचना दी गई, जिसमें तहसीलदार महोदय के द्वारा आलोक वर्मा लेखपाल को निर्माण रोकने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन मौके पर लेखपाल आलोक वर्मा ना पहुंचने की वजह से कानूनगो जितेंद्र सिंह को अवगत कराते हुए कानूनगो जितेंद्र सिंह व लेखपाल आलोक वर्मा को फोन कर कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश दिया गया कि मुलाही खेड़ा में चल रहे अवैध निर्माण कार्य रोकने के संदर्भ में कहा गया, लेकिन सरोजनी नगर तहसील के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही निर्माण कार्य रुकवाया गया। कमलेश चौधरी की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या नाम है भाई? हमारा नाम राम सूरत। पिताजी का क्या नाम है? परमेश्वर है। तो कहाँ रहते हैं आप? मुल्लाही खेड़ा नटकूर। अच्छा, नटकूर में रहते हैं। आपका जो 851 घाटा संख्या जो सरकारी भूमि है जी। आपके ऊपर लोगों का आरोप है कि आपने सरकारी जमीन कब्जा की, तो क्या इसके संबंध में आपको जानकारी है, कैसे क्या है इसका मामला विस्तार से बताइए। पवन सिंह ने हड़काने लगे कि हम तुम्हारी बाउंड्री गिरवा देंगे। नहीं तो वो पवन सिंह ने आपको हड़काया, लेकिन इस जमीन कब से आपके पास है सरकारी? ये हमारे पास बाबा दादा के पहले से है, फिर हमारे पिताजी के पास थी, उसके बाद हमारे पिताजी ने ख़त्म हो गए। हाँ, उसके बाद हमारे लोगों के पास है। तो आप उस पर काबिज हैं जी? तो उसमें अभी क्या कोई फसल असल करते हैं आप जमीन पे? जी फसल करते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपने घिरवा रखी है? जी बाउंड्री है सर, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बाउंड्री है। उसके पाछे हमारी मकान बना है। अच्छा, तो इसमें आपको आप फिर पवन सिंह से क्या मामला निकला? पवन सिंह ने क्या बताया आपको? पवन सिंह ने कहा कि हम तुम्हारी बाउंड्री गिरवा देंगे। अच्छा, गिरवा देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ज़्यादा करोगे? अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हम डर के मारे न्यायालय चले गए, वहाँ पे मुकदमा कायम कर दिए। तो आपका मुकदमा चल रहा है जी? तो अभी तक उस पर कोई निर्णय तो हुआ नहीं होगा न्यायालय का? अभी निर्णय नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तारीख लग रही है। तारीख लग रही है जी। चलिए ठीक है। और तो उसमें कोई विवाद नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? अभी तक कोई परेशानी नहीं कर रहा है। चलिए ठीक। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।